तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी रूके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। आगे बात करते हैं जहां पे T10 लीग के स्टेज का लास्ट डे आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबूधाबी T10 लीग मैच नंबर 26 और 27 की। तो पहले बात करते हैं मैच नंबर 26 की, जो कि खेला जाएगा बंगला टाइगर और चेन्नई ब्रेव्स के बीच में, जहां पे दोनों टीमें पॉइंट टेबल बॉटम चार पे चल रही है। दोनों के लिए प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो अबूधाबी के पिच स्लो है, पिच से फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं मिलेगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 55 डिग्री रहेगा, क्लाउड 10% और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आगे बात करते हैं बंगला टाइगर का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो टीम अभी तक 6 मैच में से 3 मैच जीती और 3 मैच हारी है। वहीं अगर बैटिंग में बात करें तो जहां पे जॉर्डन कॉक्स टीम के लीडिंग रन स्कोर है, 6 मैच में से उनके बैट से 265 रन निकले। क्रिस लिन अब तक टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रहे हैं, कुशल मेंडिस को फॉर्म शो करना होगा, जहां पे किलियन मिलर का बैट से कमाल कर सकते हैं। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो कार्लोस ब्रेटवेल, डैनियल सैम्स को मैच फिनिश करना होगा। टीम की बॉलिंग स्ट्रांग है, बॉलिंग में बात करें तो जॉस लिटिल टीम को लीड करेंगे, जहां पे डैनियल सैम्स के टीम के प्लस पॉइंट है, 6 मैच में से उनके नाम 6 विकेट है। डोमिनिक ड्रेक विकेट निकाल सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो रोहन मुस्तफा है। अब की प्लेयर की देखते हैं तो कुशल मेंडिस है, डेविड मिलर है और जॉस लिटिल है। अब आगे बढ़ते चलते चेन्नई ब्रेव्स का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो बैटिंग में टीम की टॉप परफॉर्मर जेसन रॉय, जिन्होंने 5 मैच में से 105 रन बनाए। जहां पे ओपनर बात करें तो कोब हर्पर्ट भी फॉर्म में चल रहे हैं। नंबर 3 पे एक्सपीरियंस भनुका राजा पक्सा है, स्टीव एकेंजी जो बैट से रन बना सकते हैं, सिंगनर राजा टीम से जुड़ गए हैं लेकिन वो अब तक रन नहीं बना पा रहे हैं। कैप्टन की बात करें तो जहां पे चरित श्रीलंका फ्लॉप चल रही है, टीम को रन चाहिए। लास्ट मैच में टीम की बॉलिंग फ्लॉप थी, टीम ने 1 विकेट भी नहीं ले पाई। बॉलिंग में टीम की ताकत मोहम्मद नबी, जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं, उन्होंने अब तक 4 विकेट लिए। टीम के टॉप परफॉर्मर बॉलर जुनैद सिद्दीकी हैं, जो 5 मैच में से 5 विकेट लेकर आए हैं। अगर ओवेड मैक में जो लास्ट मैच में विकेट लेस थे। अब अगर बात करते हैं की प्लेयर देखते हैं, जहां पर सिकंदर राजा है, जेसन रॉय है, चरित श्रीलंका। तो फाइनली दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। तो फॉर्म को देखते हुए मैच विनर बंगला टाइगर होगा, क्योंकि बंगला टाइगर यहां पे मैच विन कर सकती है। अब आगे बात करते हैं चलते हैं मैच नंबर 26 देखते हैं। तो आज जो कि खेला जाएगा दिल्ली बुल्स और अबू धाबी के बीच में, जहां पे दिल्ली बुल्स ने सेशन का स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था लगातार 3 मैच जीतकर, उसके बाद पिछड़ गई 2 लगातार मैच हार के। अबू धाबी टीम को क्या बात करें, अब तक 6 मैच में खेलकर 6 मैच हार के आ रही है। बात करते हैं दिल्ली बुल्स का टीम शॉट एनालिसिस करते हैं। लास्ट 2 मैच में टीम हार गई और लास्ट मैच में टीम आज 31 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम की बैटिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां पे जॉनसन चार्ली टीम के गुड परफॉर्मर हैं। अब तक 5 मैच में से उनके नाम 86 रन है, जहां पे कैप्टन रॉबिन पॉल टीम के टॉप लीडिंग रन स्कोरर है, 5 मैच में से 124 रन उनके नाम है। अगर ओपनर की बात करें तो डीको के टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, और राउंडर की बात करें तो डीजे ब्रेवो टीम को बैलेंस दे रहे हैं। टीम के सभी बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फारूकी टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं, 5 मैच में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जहां पर रिचार्ड ग्लेशन भी विकेट ले रहे हैं। फास्ट बॉलर नवीन लॉक को अभी तक 6 विकेट मिल चुके हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें तो जहां पे डीकॉक है, रॉबिन पॉवेल और डीजे ब्रेबो है। अब अगर बात करते हैं अबूधाबी टीम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो अबूधाबी टीम टेबल में सबसे नीचे, टीम ने अपने 6 के 6 मैच हार के आ रही है, अभी तक 1 भी मैच नहीं जीती है। जहां पे लियोस देव पोली टीम के लीडिंग रन स्कोरर है, 6 मैच में से 78 रन बनाकर ओपनिंग में काइल मार्स भी फ्लॉप चल रहे हैं। एलेक्स लास्ट मैच में ड्रॉप कर गए थे, बैटिंग में अब ओपन डॉम बैटम करेंगे। नंबर 4 पे जहां पे कॉलिन इनग्राम लास्ट मैच में फ्लॉप थे, और राउंडर की बात करें तो ड्वाइन पिटोरियस टीम की ताकत है, टीम की बॉलिंग उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। जेम्स फुलर को यहां पे विकेट दिलाना होगा। फास्ट बॉलर जहां पे टाइमन मिल्स के लीडिंग विकेट टेकर है, 5 मैच में से 5 विकेट निकाला है। अगर स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो एक्सपीरियंस प्लेयर नूर अहमद, वानदर्स तुमर भी इस मैच में चांस मिल सकता है। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें तो जहां पे एलेक्स हेल्स है, कॉलिन इनग्राम है, टॉम बॉटम है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो दोनों टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए इस मैच का विनर दिल्ली बुल्स हो सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।